राज्यपाल डॉक्टर सुंदरराजन गारु, केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी गारु उपस्थित महानुभाव नमस्ते अंडी। आज सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया है। इस शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। यह तेलंगाना आंध्र की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी सिकंदराबाद स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर रहे हैं। आज ही साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी सिकंदराबाद से महबूब नगर के बीच 13 नई MMTS सर्विसेज को भी फ्लैग ऑफ करेंगे। हमारे जितने भी कामगार भाई हैं, जितने भी मिडिल क्लास ऑफिस गोअर्स, आप सबके लिए बहुत बड़ी सौगात है ये। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में रेलवे को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने का संकल्प लिया है। आपके विजन में कई सारे आयाम है, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड क्लास ट्रेन, नई नई ट्रैक्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, हर एक एस्पेक्ट रेलवे का सुधर रहा है। 2014 से पहले रेलवे में मात्र पूरे भारत के लिए 40-50 हजार करोड़ का बजट होता था। इस साल प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के बजट को बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ किया है। साथियों, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। साथ ही साथ तेलंगाना जैसे इतने महत्वपूर्ण राज्य के लिए 2014 से पहले क्या मिलता था? मात्र आंध्र और तेलंगाना को मिलाकर मात्र 800 करोड़ रुपए। आज प्रधानमंत्री जी ने मात्र अकेले तेलंगाना के लिए 4,400 करोड़ रुपए का रेलवे के लिए बजट दिया है। साथियों, तेलंगाना में रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर कदम पर हम आगे बढ़ेंगे। रेलवे में विकास के लिए राज्य सरकार का भी बड़ा सहयोग जरूरी होता है। लैंड एक्विजिशन चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू आता है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि तेलंगाना के विकास के लिए राजनीति से ऊपर उठे। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमको कहते हैं, प्रेरणा देते हैं, सबका साथ सबका विकास। ये समय है राज्य सरकार भी सबका साथ सबका विकास के इस मूल मंत्र पर आकर इसी भावना से आगे आए। एक बार फिर सिकंदराबाद से तिरुपति वंदे भारत के लिए तेलंगाना के सभी निवासियों का अभिनंदन। श्रद्धालुओं के लिए भगवान श्री वेंकटेश्वर और देवी पद्मावती का दर्शन अब और सुगम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते अंडी।